खाना बनाना भी एक कला है जो किसी धरोहर से कम नहीं है। आज कई ऐसे पुराने व्यंजन हैं जिन्हें बनाने की विधियां हम भूल चुके हैं। हालांकि कोरोना के कारण कई ऐसी चीज़ें याद आईं जो कभी रसोई और खाने का ज़रूरी हिस्सा हुआ करती थी, और ये खाने न केवल शरीर को स्फूर्ति बल्कि इम्यूनिटी भी प्रदान करते थे। इसलिए भोजन की इस प्राचीन संस्कृति व परंपरा को एक धरोहर के रूप में सहेज कर रखना होगा और उसे आगे पीढ़ियों तक पहुंचाना होगा। ये कहना है मानसी श्रीमाली का। मानसी पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हैं, लेकिन खाना बनाने के शौक के कारण मास्टर शेफ तक का सफर तय कर चुकी हैं। वह राजस्थान और भारत की भूली बिसरी व्यंजनों की परंपरा को कायम रखने में योगदान दे रही हैं। मानसी का मानना है कि राजस्थान सिर्फ दाल बाटी चूरमा तक ही सीमित नहीं है, वह अब ऐसे ऐसे राजस्थानी व्यंजन बना चुकी हैं जो भुला दिए गए थे। भूरा रोटी, हाजिया, मावा और लौकी की भरवा रोटी, काचरी पुदीने का शरबत, लोबिया की दाख, अचारी मोठ की सब्जी, बोकनिया के पत्तों का खाटा आदि कई वैसे व्यंजन वो बना चुकी हैं। लॉस्ट रेसिपीज पर उनके लेख भी कई देशी विदेशी मैगजीन में प्रकाशित हो चुके हैं। वे कहती हैं कि उन्होंने भी मसाला वाट की नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना रखा है। इस पर लुप्त होते जा रहे व्यंजनों और उनकी विधियों के बारे में वो बताती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मानसी 2019 में मास्टर शेफ तक पहुंच चुकी हैं। मानसी ने बताया कि राजस्थानी व अन्य तरह का खाना बनाने का हुनर उन्हें परिवार से ही विरासत में मिला है। उनके परिवार में उनके पिता क्योंकि हिट लेयर थे, तो खाने की गुणवत्ता के बारे में और उसको बनाने की विधियों के बारे में उन्हें काफ़ी ज्ञान है। साल 2019 में मास्टर शेफ की ऑडिशंस में उन्होंने हिस्सा लिया और मास्टर शेफ राजस्थान का खिताब जीता।